यासिर भाई आज मैच था पेशावर जलमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। हम तीनों का ख्याल था कि पेशावर जीतेगी मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पेशावर ने स्टार्ट अच्छा लिया, हारिस ने इंटेंट शो की मगर वो इवेंचुअली 158 पर बना सके 158। क्या कमी रह गई या रजाक भाई पहले तो ये बताइए, क्या आज हारिस के अलावा किसी ने इंटेंट शो नहीं की? नहीं, मैं आऊंगा खुदा के वास्ते आऊंगा मैं। बीफ चीज विद एक्स्ट्रा वेजीज प्लीज। आज आज मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है, बस करो। क्या है क्या है? हमदर्दी मुझे आपसे हो रही है आज तो, बस रहने दे आप। अच्छा बात, पहले मैच की बात कर लें ताकि लगे क्रिकेट का शो है। भाई रजाक भाई ऐसा है कि आज हारिस के अलावा किसी ने इंटेंट शो नहीं की पेशावर की टीम से। 158 का स्कोर आफ्टर सच अ गुड स्टार्ट, 84 नो लॉस इन 8 ओवर्स, 10 का रन रेट, एंडेड अप मेकिंग ओनली 158 रन्स। क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए ताबिश भाई, ये जो क्रिकेट है ना T20 अब थोड़ी सी टफ हो गई है। जितने भी हमने पिछले दो मैच देखे हैं उसमें काफ़ी ज़बरदस्त इंटेंट नज़र आई है और रियली सॉरी, हमें इस तरह की क्रिकेट हमें नहीं देखनी और हमने देखना है कि आप अग्रेसिव खेलें जैसे जेम्स विंस खेले थे यस्टरडे और अभी आज गुलबाज ने बैटिंग की है। जैसे आरएस भी आज शुरू तो अच्छा किया 200। देखिए बात यह है कि ये एक एंड से स्कोर नहीं होते, आपको दोनों एंड से करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप देखा जाए हमारे पास ये जो पिशावर के तीनों थे, कैडमोर हो गया, पावल हो गए और निशम हो गए, इन्होंने 14 बॉलें खेली हैं और 8 रन बनाए। ठीक है, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको रेस्ट करना पड़ेगा। ये PSL की क्रिकेट हो रही है, सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखें और यंगस्टर भी देखें कि ये क्या क्रिकेट हो रही है। इनको थोड़ा सा अग्रेसिव खेलना पड़ेगा और T20 गुरबाज ने दिखाया है कि T20 ऐसे खेली जाती है, ऐसे इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करें। आपका इशारा बाबर आजम की तरफ लग रहा है मुझे इनडायरेक्टली। देखिए बात यह है कि हमारे वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं और हमारे तो बड़े जूनियर हैं, हम तो हमेशा उनको बैक करते हैं पर उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। विकेटें गिरती हैं, वो T20 में होता है पर आपको एक आधा ओवर आपको टेक ओवर करना पड़ता है जिसमें 20 रन करें 24 रन करें, ये स्किल पैदा करें जिससे कि आपकी टीम को 170-180 स्कोर करती तो आप जीत सकते थे। हमें वो स्कोर नहीं चाहिए, 50-60 स्कोर नहीं चाहिए जिससे मैच हार जाए। ठीक है। अच्छा यासिर भाई, आज का लीस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर कौन था, मतलब सबसे कम जिसने इम्प्रेस किया हो आज दोनों टीमों में से कौन था? निशम ने किया। आज निशम ने कैचेस भी बहुत ड्रॉप किए, बॉलिंग भी बहुत एवरेज कराई, बैटिंग भी बहुत एवरेज की, ही वॉज लुकिंग ऑफ कलर। आपका एक उस पर था कॉमेंट कि शायद रात बहुत बिजी रहे हैं निशम। नहीं, रेस्ट करना पड़ेगा इनको। हाँ जी, 8 गेंद का डिफरेंस है न्यूजीलैंड से, तो इनको रेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये ऑफ कलर नजर आया। आपको लगा जेट लैग हैं थोड़े से? नहीं, जेट लैग नहीं है, मुझे लगता है रात को कहीं जागते रहे हैं। रात को इन्हें किसी ने जगा के रखा है? हाँ, जगा के रखा है। अच्छा मरियम, आपको भी इंगेज करूंगा क्रिकेट के सवाल पे। आज आप दोनों हाथों के बावजूद आपने आस्तीनें जाया की हुई है, मुझे अच्छा बता, सवाल बाद में प्लेट बजा लेना, मुझे बताओ कि भाई क्वालिफाइंग राउंड आ रहे हैं, प्लेऑफ्स आने वाले हैं, अब जरा मैच्योर हो रहा है PSL, कौन सी 4 टीम्स हैं जिनको आप देखती हैं प्लेऑफ में पहुंचेंगी? इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, यानी कराची और कोयटा के अलावा सब पहुंच जाएंगे। परफॉर्म करेंगे तो चले जाएं, मैं रोक थोड़ी रही। ये पहली बार नहीं हुआ कि इस्लामाबाद ने कराची इग्नोर किया। रोते रहना। अच्छा यासिर भाई, बाबर और गुरबाज की अगर इनिंग्स देखी जाए, एक कंट्रास्ट था, बाबर ने 58 बॉल पे अपने 75 रन स्कोर किए। एक चीज जो देखने में आ रही थी कि विकेट्स गिर रही थी बाबर के अराउंड, क्या आपको लगता है वो इसलिए गिर रही थी कि बाबर स्लो खेल लेते तो बाकी सबको चार्ज देना पड़ रहा था, या आपको लगता है कि बाबर ने स्लो इसलिए खेला कि विकेट्स गिर रही थी? नहीं, अगर आप शुरू में देख ले 8 ओवर में 80 रन हुए हैं और आरएस भी अच्छा खेल रहा था। जब आरएस आउट हुआ है तो उसके बाद बाबर आजम ने स्कोर शुरू किया और वो थोड़ा सा तेज खेला भी उस टाइम, लेकिन उसके साथ हासन ने 3 आउट किए मिडल ऑर्डर के बैट्स में, जो मेन 3 प्लेयर थे वो आउट किए उसी टाइम पे तकरीबन 4 विकेट जल्दी गिर गए जिसकी वजह से उसको पूरा लेके जाना पड़ा। उसकी स्ट्राइक रेट 130 तक आ गई। गुरबाज अलग खेले क्योंकि गुरबाज के साथ जो प्लेयर खड़े थे वो रन भी कर रहे थे और वो अपनी शॉटें भी नहीं रोक रहा था। वेरी गुड, यही तो इसलिए वजह रही कि गुरबाज। अच्छा आज जो है एक काफी 50 बनी, गुरबाज ने मनाई, बाबर ने मनाई, उस्मान कादिर ने भी आज 50 बनाई, 4 ओवर में 50 रन दिए। यासिर भाई आपसे ये सवाल बनता है, बीइंग अ लेग स्पिनर, क्या मिसिंग है उस्मान के पास? देख ले वो प्रॉपर लेग स्पिनर है, उसके पास गुगली भी है, स्लाइडर भी है, अच्छा बॉलर है। सम टाइम पिछले मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की है, इस मैच में उसको ये कि जो सर्कल में ओवर कराया ना, या तो सर्कल को लेग स्पिनर कराना है तो या तो पहला ओवर करा दे या तीसरा ओवर करा दे,
अगर पांच ओवर और छठा ओवर नहीं बनता स्पिनर का, वहां से उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉलिंग पे असर पड़ा और बाद में जब वो बॉलिंग के लिए तो वहां पे उस टाइम उनको विकेटें चाहिए थी, तो इसलिए उसने थोड़ा सा फ्लाइट से बॉल की जिसमें उसको रन हुए। अच्छा रजाक भाई, आज करंटली आप पाकिस्तान में काफी लेग स्पिनर्स खेल रहे हैं, एक तो बराबर जॉम से खेल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में बेस्ट लेग स्पिनर कौन अवेलेबल है? देखिए अभी सो फार जो है यासर के बाद जो है ना, मैं यासर के बाद मतलब अभी से बाद हो गया वो, जबकि वो अभी खेलना चाह रहे हैं। नहीं, बात यह है कि अभी वो वन डे टेस्ट में आएंगे, अब पीएसएल में भी लेना चाहिए, बट ठीक है अब उनकी अपनी मर्जी होती है। अब जाहिद है कि बस मान कादिर है, पर मेरा पॉइंट ये है कि इनका थोड़ा सा फोकस जो है ना T20 की तरफ है। अब जाहिद उन्होंने सेव किया है, इसको अब टेस्ट मैचों में रखना चाहिए या वनडे में खिलाना चाहिए, अब ये दो ही नजर आ रहे हैं। अच्छा आज चलो पेशावर तो हार गए, हम तीनों मायूस हैं।